दोस्तों, तो फाइनली हम लोगों ने एक टैक्सी पकड़ी है और फिर जो भाई साहब हैं वो कहाँ से हैं बात करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। हमें यहाँ से अलखोर जाना था, बस का मसला था, वहाँ पे आदमी ज़्यादा थे और भीड़ बहुत थी और बस में जगह भी नहीं थी। और बस के लिए जो प्रॉब्लम है वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं बस में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, ना जाता हूँ ना आता हूँ ज़्यादा, बस ऐसे। और भाई से बात करते हैं, इनकी टैक्सी मिली है और पूछते हैं इनके बारे में और इस जर्नी के बारे में इनसे पूछते हैं, क्या है, कैसे है, इन्होंने कैसे यहाँ से क्या काम किया है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीनू। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नेम है। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं फिलहाल? मैं अभी 8 साल कलर्स हूँ। 8 साल? ओह, 8 साल खत्म हो गया। तो 8 साल से ही गाड़ी चलाते हैं? नहीं, 8 साल से नहीं है ना, अभी कम से कम 5 महीने हुए। 5 महीना हो गया। तो 5 महीने से भाई गाड़ी चलाते हैं और कंटिन्यू टैक्सी ही चलाते हैं 5 महीने से? टैक्सी चलाते हैं। हाँ, टैक्सी, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ जो है टैक्सी के बारे में, तो इन्होंने बताया कि मतलब 5 साल से चला रहे हैं और लाइसेंस आप यहाँ मतलब इधर ही बना है, मतलब इसी में टैक्सी के आने के बाद टैक्सी में? नहीं, वो पहले एक साल का पहले मैं बनाया। अच्छा, 1 साल के पहले बनाए, उसके बाद इन्होंने अपना चेंज किया किसी कंपनी में, फिर उसके बाद ये टैक्सी चला रहे हैं। टैक्सी का इनकम के बारे में बता सकते हैं? इनकम के बारे में जैसे मंथली या दिन में कितना? पब्लिक में जैसे दिन का कितना आ जाता होगा, मिनिमम 100-150 समथिंग? कम से कम काम करने आदमी लोग को मिलेगा पैसे में। अभी मैं सुबह 7 बजे टू स्टार्ट करेगा। ओके, सुबह 7 बजे टू नाइट 11 बजे तक काम करेगा। ओके, मेरे को एक दिन वो ईद का बारे वो कुछ नहीं बोल सकते, मतलब इंक्रीज हो जाएगा पैसा, मे बी 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। वो डेली का तरफ मे बी 250-280 रियाल तक आराम से, 250 तक आराम से कमा सकते। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी कतर में थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी इसके लिए ज्यादा कस्टमर नहीं मिल रहा है। सही है। अभी कतर के अंदर बता रहे हैं भाई कि मतलब एक दिन में नॉर्मल टाइम में आपको 200-150 समथिंग हो जाता है ऐसा। तो ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि मतलब आपको 250 या 300 समथिंग ऐसा होगा, लेकिन मिनिमम आपका 150 समथिंग जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, ये अपना काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 6-7 महीने से, और ये चीज़ बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी खुद का काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, कमाने के लिए आया है, तो ये अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि मतलब एक अच्छी जर्नी हो मेरी और मैं अच्छे तरीके से काम करूँ, मैं अच्छा पैसा कमाऊँ। तो ये ज़रूरी था और ये ज़रूरी होना चाहिए हर शख्स के, हर एक इंसान के दिमाग में होना चाहिए कि वो आदमी कुछ करे और अपना करे। अपना करेगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी के अंडर में नहीं होगा, किसी के अंडर प्रेशर में नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। सही है ना? सबसे पहली चीज़ एक प्रेशर नहीं होगा, फैमिली का एक हैप्पीनेस फैमिली होगी, आप माइंड आपका एक हैप्पी माइंड होगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किया, वो छोड़ में अभी टैक्सी का काम कर रहा है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात, और अपनी लाइफ के लिए वो क्या जर्नी रही होगी, वहाँ पे प्रेशर रहा होगा, बॉस का रहा होगा, है कि नहीं? और क्या नाम है, हैप्पीनेस इज द मेन थिंग। हाँ, हैप्पीनेस इज मेन थिंग्स, यहाँ पे है, यहाँ पे ये जरूरी है। और कंपनी में जानते ही होंगे आप सब लोग, और यहाँ पे जो लोग आते हैं यही सोच के आते हैं कि हम एक फ्रीडम हमारा हो, हम फ्री होके जिए, हम अपनी मर्जी से काम करें, हम जितना चाहें उतना करें, एक लिमिट में भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये मेन ज़रूरी बात होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सबको कि आप अपना ही रूल बनाएं और अपना फ्रीडम होके काम करें, कमाएं, अच्छी बात है। और आप कुछ कहना चाहेंगे आप दोस्तों से? लव योर लाइफ। लव योर लाइफ, आई वाह, इज वेरी गुड वर्ड, मैं इस वर्ड को अप्रिशिएट करता हूँ, रियली बता रहा हूँ। अपने लाइफ को प्यार करें, अपने जिंदगी को प्यार करें, अपने सेल्फ को प्यार करें। जब ये करना चालू करेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी से। तो थैंक यू सो मच, और ये बात करके भाई से बड़ी खुशी हुई, मिलकर बड़ी खुशी हुई,
और इन्होंने जो सजेशन दिया है, जो तरीका बताया है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह आप कोशिश कीजिए, और जाते जाते भूलना नहीं, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।